अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आयेज़ा ख़ान, हिबा बुखारी और रमशा खान के आने वाले ड्रामा सीरियल के बारे में बताएंगे। तो मेरे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग न्यू आए हैं, और इस वीडियो के अंदर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप आयेज़ा ख़ान, हिबा बुखारी या फिर रमशा खान के फ़ैन्स हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की सीरीज़ में मैंने जो ड्रीम कास्ट रखी है वो रमशा खान, आयेज़ा ख़ान और हिबा बुखारी एक ही ड्रामा सीरियल की मैंने ड्रीम कास्ट बनाई है। आपको पता है कि मैंने सीरीज चलाई और सीरीज़ में मैं ड्रीम कपल बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, पोस्टिंग करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, ताकि हमें अपने ड्रीम कपल का ड्रामा सीरियल मिले। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और हो सकता है कि आप लोगों को भी ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि आज की जो मैंने ड्रीम कास्ट रखी है उसमें मैंने मेल एक्टर कोई नहीं दिखाया, मैंने दिखाया रमशा खान, आयेज़ा खान और हिबा बुखारी को, कि ये तीनों सुपरस्टार हमें किसी एक मेगा ड्रामा सीरियल में नज़र आ जाएंगी तो क्या ही कमाल होगा। अगर इन तीनों का नाम एक ही ड्रामा सीरियल में हमें देखने को मिल जाता है तो ड्रामा सीरियल की जो एक्साइटमेंट और जो क्रेज़ मचेगा ना, वो किसी और लेवल का होगा, ट्रेंड बनेगा, और हर तरफ आयेज़ा खान, रमशा खान और हिबा बुखारी के आने वाले ड्रामा सीरियल के ही चर्चे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिनफे ड्रामा सीरियल बना था उसमें भी हमें काफ़ी सारे नामवर अदाकार आए, जिनमें यमुना ज़ैदी, कुबरा खान, सज्जल अली, रमशा खान, सायरा यूसुफ देखने को मिली थी। तो मैं इसी तरह चाहता हूँ कि जियो टी वी वाले भी एक ड्रामा सीरियल प्रोड्यूस करें जिसमें आयेज़ा खान, रमशा खान और हिबा बुखारी तो हमें लाजमी मेन लीड में देखने को मिले, और साथ ही मेन लीड में जो एक्टर हों वो भी अच्छे खासे नामवर अदाकार हो, जिनमें वहाज अली हो गए, फिरोज़ खान हो गए, बिलाल अब्बास खान हो गए, दानिश तैमूर, इमरान अब्बास, फरहान सईद, इन्हीं में से किसी का नाम होना चाहिए। तो जियो टी वी वालों को सोचना चाहिए कि इसी तरह का अगर ड्रामा सीरियल वो प्रोड्यूस करते हैं तो उनका एक अपना लेवल बन जाएगा, जियो टी वी वालों के लिए गेम चेंजर्स बात साबित होगी। अगर रमशा खान, आयेज़ा खान या फिर हिबा बुखारी तीनों ही सुपरस्टार किसी एक ड्रामा सीरियल में नज़र आते हैं, ड्रामा सीरियल की स्टोरी होनी चाहिए महलों में, और इस तरह से जो स्टोरीज़ होती हैं कि विरासत के और जागीरों के मामलात होते हैं, और महलों में इस तरह से झगड़े होते हैं आपस में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं और आपस में जो रिजॉल्विंग होती है, इस तरह से ड्रामा सीरियल की स्टोरी होगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे इंतज़ार है कि आयेज़ा खान के साथ रमशा खान भी हमें देखने को मिले और हिबा बुखारी भी किसी ड्रामा सीरियल में देखने को मिले। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।